आज हमारा टॉपिक है कक्षा 10 का विद्युत क्षेत्र धारा चैप्टर पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम सूत्र। संयोजन का अर्थ है प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ लिया था। संयोजन का अर्थ है जोड़ना, उनको किस प्रकार से जोड़ना। क्रम है श्रेणी क्रम संयोजन, एक क्रम है उनको किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन है वो दो प्रकार से हैं हमारे सिलेबस में, श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो है वह समांतर। तो इस भाग में हम सिर्फ श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार होता है। वो श्रेणी क्रम जब हम एक या एक से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है यानी कुल प्रतिरोध कितना होगा वो हम देखेंगे। तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है कि अनेक हमने जो लिए है प्रतिरोध उनको इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा बैटरी के सिरे से और प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे के साथ जुड़ा होता है और इसी प्रकार ये चलता रहता है और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे सिरे के साथ क्या होता है संयोजित होता है। देखते हैं डायग्राम से। डायग्राम बनाते हैं हम, तीन प्रतिरोध लिए हमने, ए प्रथम प्रतिरोध ए बी ये इसका प्रथम सिरा, ये इसका दूसरा सिरा। तो प्रथम सिरा प्रथम प्रतिरोध का वो किससे जुड़े होगा, हमारी बैटरी से, किससे बैटरी से, तो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा। और दूसरा सिरा है वो सेकंड प्रतिरोध से जुड़ा होगा। क्या है ये सेकंड प्रतिरोध, ये फर्स्ट प्रतिरोध आर वन सेकेंड प्रतिरोध आर टू, ये इसका प्रथम सिरा से क्या है जुड़ा हुआ। अब सेकंड सिरा है दूसरे प्रतिरोध का, ये क्या है तीसरे के प्रथम के साथ संयोजित होगा, तीसरे के प्रथम के साथ, ये आर थ्री। और हमने अभी तक तीन ही प्रतिरोध लिए, अगला चौथा जुड़ा होता तो इसका प्रथम सिरा इसके साथ जुड़ा होता और अंतिम सिरा इसके साथ। लेकिन हमारे तीन ही प्रतिरोध है, क्या है तीन ही प्रतिरोध और ये अंतिम सिरा दूसरा सिरा किससे, नेगेटिव बैटरी की, ये क्या है बैटरी बी जो हमें विभव देगी और ये है प्रतिरोध ए बी सी और ये डी। ये क्या है तीन प्रतिरोध, एक दो और तीन प्रतिरोध। हाँ तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, पहले तार का संयोजन, पहले तार का दूसरा सिरा जो होता है वो दूसरे तार के पहले सिरे के साथ और दूसरे तार का दूसरा सिरा तीसरे सिरे के पहले के साथ जुड़ा होता है। तो इस प्रकार का जो संयोजन है वो रेखीय संयोजन है। हमने तीन चालक लिए हैं ए बी बी सी और सी ए सी डी का हमने क्या दर्शाया श्रेणी संयोजन, तीन चालक तार है, कितने चालक तार, तीन, तीन चालक तार ए बी बी सी और सी डी, तीन चालक तार है और इनका प्रतिरोध दे रखा आर वन आर टू आर थ्री। अगर हम इसको क्या करते हैं, एक कुंजी भी जो लगा सकते हैं नेगेटिव सिरे पर, ये जो कुंजी लगाते हैं वो है प्रैक्टिकल डायग्राम में ऐसी होती है कुंजी, तो वैसे कुंजी की आवश्यकता नहीं, लेकिन हम दर्शा रहे हैं कि धारा का मापन भी करेंगे और इससे क्या होगी, हम इस स्विच ऑफ को बंद कर सकते हैं। तो ये प्रीपथ आरेख है, कुंजी इसलिए लगाई है बंद चालू करने के लिए, ये जरूरी भी नहीं है जब हम इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो। इन तार है ए बी जिसका प्रतिरोध आर वन, बी सी जिसका प्रतिरोध आर टू और सी डी जिसका प्रतिरोध आर थ्री है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी चालकों में समान धारा बहती, क्यों बहती है समान धारा, ये चालक तार है ऐसा इसको किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, इस चालक को एक इस चालक को तुल्य परिपथ मनाया जाता है, ऐसा परिपथ जिसमें
जो धारा होगी और जो व्यूह होगा वो सब एक जैसा होगा, तुल्य परिपथ। क्या होगी? जो तुल्य परिपथ बनाया जाता है, इन सब प्रतिरोध को एक ही प्रतिरोध द्वारा व्यक्त किया जाता है और इस प्रकार एक बैटरी है जो वही वोल्टता की रेख कुंजी ये इसका तुल्य प्रतिरोध ए या बी नेगेटिव। नेगेटिव सिर के साथ ही कुंजी का सृजन करते हैं जो हमने पढ़ा था, इसका प्रतिरोध आर है। ये क्या होगा? ए और ये बिंदु डी होगा अंतिम, इनको आर से ये इसका तुल्य प्रतिपथ हो गया। इतनी चीजें हमने देख ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा जो मेन चीज आती है कि कहा गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में, प्रतिरोधों में समान धारा बहेगी। क्या बहेगी? समान धारा प्रभावित होती है। ये चीज है, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो धारा है वो इस एक ही तार से जा रही है, एक ही तार है ये, क्योंकि ये जुड़ा हुआ ऐसे ऐसे जाएगी। इसके लिए कोई दो रास्ते नहीं है, दो रास्ते नहीं है। क्या नहीं है? रास्ते नहीं। अगर धारा को दो रास्ते मिलेंगे तभी वो क्या होगी? अलग होगी। और इसमें कितना रास्ता है? सिर्फ एक ही क्या जो मार्ग है कह सकते हैं, पथ है, एक ही क्या पथ है। इसके कारण सिर्फ क्या होगी? एक ही धारा, एक ही प्रकार की धारा होगी, अर्थात एक ही प्रकार की धारा है, अर्थात सभी जो प्रतिरोध उसमें समान धारा बहेगी। और क्या है लिखेंगे? ए बी, ए बी प्रति चालक तार, बी सी चालक तार और सी डी चालक तार में जो धारा बहेगी वो क्या होगी? आई, आई मान की धारा होगी। और जो विवांतर शब्द है, ओम का नियम, विवांतर, विवांतर क्या है? बिंदु, दो बिंदुओं के बीच के व्यूह का अंतर विवांतर, दो बिंदुओं के बीच के, दो बिंदुओं के बीच के व्यूह का अंतर ही विवांतर है। तो इसमें क्या है? इनमें ए बी, इसमें बी सी, इसमें सी डी, तीन बिंदु, चार बिंदु, ये तीन चार बिंदु है जिसके अंतर्गत तीन प्रतिरोध चालक तार जुड़े। तो इसका मतलब यही है कि ये इन दो बिंदुओं के दो अलग बिंदु है, ये दो अलग बिंदु है, दो ये अलग बिंदु है। तो इनमें क्या होगा? विवांतर होगा, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। चालक तार का जो विवांतर है वो अलग अलग होगा, क्योंकि अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि पहले हमने जो विवांतर ज्ञात किया आर वन के लिए, जो विवांतर है वो क्या होगा? ए बी के बीच का विवांतर क्या है? ए बी इनके मध्य विवांतर होगा, वो क्या होगा? ए बी के बीच के विवांतर, जिसे वी वन से व्यक्त किया गया। और बी सी चालक तार, इसमें जो विवांतर होगा वो बी सी के मध्य, जिसे वी टू से व्यक्त करेंगे, जो अलग होगा क्योंकि ये बी सी के मध्य का विवांतर। और तीसरा विवांतर है सो सी डी तार के लिए, वो है वी थ्री विवांतर। तो मान आर वन आर टू आर थ्री में जो प्रभावित धारा है वो आई होगी, इन सिरों, इनके सिरों पर उत्पन्न जो विवांतर होंगे वो वी वन वी टू और वी थ्री होंगे। अब आती है ओम के नियम से बात, ओम के नियम से बात आती है। ओम के नियम से जो बात आएगी वो क्या है? हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा साफ कर। अब इससे क्या है, एक तो चीज ये है कि आर वन आर वन आर टू आर थ्री में जो धारा होगी वो क्या होगी? आई होगी। और जो विवांतर है इसका वी वन, इसका वी टू और इसका वी थ्री, जो इस डायग्राम से स्पष्ट है। अब है ओम के नियम से, अब है ओम के नियम से, ओम के नियम से जो विवांतर होगा ए बी चालक तार पर वो क्या होगा? ए बी चालक तार पर, तार पर क्या होगा जो विवांतर है? ओम का नियम क्या है? ओम का नियम V बराबर R है, आई धारा प्रतिपथ में बहने वाली प्रतिरोध और ये विवांतर। तो विवांतर क्या होगा? पहले चालक तार के लिए ज्ञात किया वो क्या है? क्या है?
वी वन, और क्या आएगा आर वन, और इसमें जो धारा जाएगी वो क्या है आई। अब है बीसी तार पर विभवांतर, यानी बीसी बिंदुओं पर विभवांतर कह सकते हैं कि मध्य विभवांतर क्या होगा बीसी के मध्य वी टू आर टू आई, क्योंकि धारा सभी में समान है इसलिए आई आई लिखी। और सी डी तार पर चालक तार पर विभवांतर वो क्या होगा वी थ्री, वो क्या आर थ्री आई, क्योंकि सभी में धारा समान है। अब बात आती है हमारी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की, तुल्य प्रतिरोध संयोजन का हमें प्रतिरोध ज्ञात, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक तुल्य डायग्राम। क्या बनाने पड़ेगा तुल्य डायग्राम। तुल्य डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे कि इन तीनों प्रतिरोधों को एक ऐसे प्रतिरोध से विस्थापित करते हैं, एक ऐसे प्रतिरोध से इन तीनों प्रतिरोध के संयोजन को एक ऐसे प्रतिरोध से विस्थापित करते हैं जिसका मान इस प्रकार हो कि उसमें बहने वाली धारा क्या हो आई हो, उसमें बहने वाली धारा क्या हो आई हो, और उनके मध्य विभवांतर इन तीनों के विभवांतर के योग के बराबर। इस प्रकार के तुल्य प्रतिरोध से क्या करते हैं प्रतिस्थापित, वो क्या है आर, आर कुल आर से हम उसको प्रतिस्थापित करते हैं आर से। तो इस प्रतिरोध को हम आर से विस्थापित कर दिया जो किसके मध्य है और ए और डी के मध्य इनका संयोजन। तो ए और डी के मध्य जो जो हमारा विभवांतर होगा, क्या विभवांतर, उसको हमने किससे लिखा है V से, V और D के मध्य जो विभवांतर है उसे हमने B से लिखा। तो जो विभवांतर B है A और D के मध्य होगा वो किस प्रकार होगा, देखिए किस प्रकार होगा वो हमें देखना है कि इस प्रकार का होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं एक बार, अब V1 क्या है, V1 विभवांतर है वो क्या है A माइनस बी, और B2 क्या है B माइनस सी, क्योंकि ये क्या है AB के बीच का विभवांतर, ये क्या है BC के मध्य का विभवांतर, और ये क्या है V3 C माइनस D यानी CD, और ये जो विभवांतर है V, जो विभवांतर B है वो क्या है ए डी के बीच का विभवांतर यानी ए माइनस बी डी। ये बात हमें ज्ञात करना ए माइनस डी। तो अब हम इन तीनों का योग करते, क्या करते हैं सम जोड़ करते इन तीनों का, तो क्या आता है वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, क्या आएगा ए वी ए माइनस बी बी प्लस क्या आएगी प्लस बी बी माइनस बी सी और प्लस बी सी और माइनस बी डी। ये देखिए माइनस का वी बी प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, और क्या आ जाएगा कुल वैल्यू क्या आएगी इन तीनों के योग की वैल्यू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस बी, जो किसके बराबर है v के बराबर है, क्या है v के बराबर। तो जो जो मेन चीज हमें प्राप्त हुई वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, जो इसमें परिपथ में धारा आई ही बहेगी। तो हम इन तीनों प्रतिरोधों के संयोजन को एक ऐसे तुल्य प्रतिरोध से विस्थापित करते हैं कि परिपथ में बहने वाली धारा समान, तो इस परिपथ में जो धारा समान होगी वो आई है, और इन दोनों के ए ए और डी के मध्य विभवांतर वी है जो ए डी यानी ए माइनस बी डी, जिसका हमें प्राप्त मान प्राप्त हुआ कि क्या है वी है वो वी वन वी टू वी थ्री का योग है। और वी क्या होगा ओम के नियम से इस परिपथ में, ओम के नियम से, ओम का नियम लगाएंगे इस परिपथ में ओम के नियम से, तो क्या है V क्या होगा V विभवांतर है और R इसका प्रतिरोध है, धारा I है वही धारा है जो इस परिपथ में बह रही थी तो इसलिए I लिखा। अब हम इन सब का मान रख देते हैं V1 V2 V3 और V
आर का मान रख देते हैं। और क्या करते हैं, डायग्राम को मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो v बराबर v1 प्लस v2 प्लस, तो v बराबर क्या है, आर आई ओम के नियम से जो हमने बाहर निकाला। v1 क्या है, r1 प्लस आई आर वन आई इंटू आई प्लस नहीं प्लस आर टू इंटू आई जो v2 का मान है प्लस आर थ्री इंटू आई। अब इसको किस प्रकार लिखते हैं, I1 प्लस आई आर टू प्लस आर थ्री। क्यों, I क्या आएगा, वो बेनिस्ट कॉमन आ गया सभी में, तो इसको लिख दें आर आई आर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस, डिवाइड कर देते हैं I, तो I से I क्या हो जाएगा, इनका डिवाइडेशन एक आ जाएगा। तो R बराबर आर वन आर टू आर थ्री, तो ये सभी क्या है, R में ही है, यानी ये इसका मात्रक ओम होगा, इसका मात्रक ओम होगा, इसका मात्रक ओम। जोड़ने से मात्रक चेंज नहीं होता, घटाव करने से भी मात्रक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गुणा करने से मात्रक चेंज हो सकते हैं। क्या हो गए, इसको ओम गुणा होंगे दो आर तो क्या हो जाएगी मात्रक, और भाग देने से वो एक हो जाएगा। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला, श्रेणी क्रम संयोजन से जो हमें तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का योग होगा। इस समीकरण से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब तीन प्रतिरोध परस्पर संयोजित होते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। इस प्रकार हम क्या और निष्कर्ष निकालेंगे, जब भूत से चालक तार को हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो संयोजन का प्रतिरोध उन सभी चालक तारकों का योग होगा। क्या होगा, सभी चालक तारों के प्रतिरोध का योग होगा, योग के बराबर होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। तो ये चीज है, तो हमें पता चल गई, ये तो तीन चालक तारों के लिए था फॉर्मूला। अब है हमारा अनंत कई चालक प्रतिरोध के लिए सूत्र लिखना है, सिर्फ अन चालक तार है जो श्रेणी क्रम में हमारे संयोजित है उनके लिए हम क्या लिखेंगे, जो क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे सीधा है, इसी आधार किस प्रकार होगा कि उनका श्रेणी क्रम होगा। अन प्रतिरोध है, अन प्रतिरोध आर वन, अन क्या है, चालक तार जिनके प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, डैश 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 R, तो इनका क्या है, करते श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो इनका प्रतिरोध R आता है, कुल तुल्य प्रतिरोध, तो ये होगा इनका योग के बराबर, इन सभी के योग के बराबर, डैश 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 प्लस R, तो कुल प्रतिरोध चार हो तो चार, पांच हो गए तो पांच। इस प्रकार ये तो हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोध का हम क्या कर देंगे, जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा उनका योग कर देंगे जिससे तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब है हमारा एक न्यूमेरिकल, इससे संबंधित उदाहरण नंबर पाठ्य पुस्तक का चार। क्या कहता है उदाहरण नंबर चार, तीन ओम का प्रतिरोध, चार ओम का प्रतिरोध, पांच ओम का प्रतिरोध किसी परिपथ में किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में क्या जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन संयोजनों को एक बैटरी से जोड़े गए हैं, जो बैटरी है हमारी उसकी वोल्टता कितनी है, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी से उसको जोड़ा गया है। तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, एक प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा में धारा, दो नंबर प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, तो
ये चीज ज्ञात करनी। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गए तीन प्रतिरोध। यहाँ एक कुंज जोड़ दी कि ये बैटरी है, बैटरी भी जिसकी वोल्टता है 6 वोल्ट। ये प्रथम प्रतिरोध R1, ये R2, ये R3, जिसके मान दे रखे हैं 3 ओम, 4 ओम और क्या है 5 ओम। A बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु। तो ये चीज हमें इस परिपथ में जो धारा बहेगी I बहेगी वही प्रथम प्रतिरोध में बहेगी, वही सेकंड प्रतिरोध में। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या बहेगी, समान बहेगी, वो होगी I। तो I का मान ज्ञात करना है, I का मान ज्ञात करना और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इस प्रतिरोध के सिरे पर जो विभवांतर है V1 है और इस सिरे इस R2 के प्रतिरोध पर विभवांतर जो V2 है और इस R3 पर जो है विभवांतर V1 है। तो V1 V2 V3 का मान ज्ञात करना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध। धारा किस प्रकार ज्ञात होगी, ओम के नियम से विभवांतर भाग में प्रतिरोध। प्रतिरोध कितने, 3 है, लेकिन हमें क्या करना है इसे तुल्य परिपथ परिपथ में चेंज करना, इसलिए क्या करना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध R होगा जो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और R बराबर क्या आ जाएगा 3 + 4 + 5 = 12 ओम प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध 12 ओम है जो बैटरी 6 ओम की। तो धारा क्या होगी, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में जो धारा होगी वो कितनी होगी, वो होगी I बराबर V × कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध R 6/12 यानी 0.5 एम्पीयर। तो प्रत्येक प्रतिरोध में 0.5 ओम क्या होगा हमारा, जो 0.5 एम्पीयर धारा बहेगी। तो अब जो V1 का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, हमने V1 क्या होगा प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा वो क्या आई, V2 का फॉर्मूला प्रतिरोध और इसमें बहने वाली धारा आई है क्योंकि सभी में V3 R3 I1। इसी प्रकार VR के लिए भी फॉर्मूला होगा क्या होगा R और I। तो अब V1 का मान ज्ञात करना है तो क्या कुछ नहीं करना, हमें क्या रखना है इसका मान रखना है R का 3 × धारा है जो कुल धारा ज्ञात करनी है 0.5 एम्पीयर यानी 0.5 एम्पीयर यानी 1.5 क्या आएगा वोल्ट, क्या आएगा वोल्ट। 4 × 0.5 यानी 2.0 वोल्ट। 5 × 5 बराबर 2.5। तो इनका तीनों का योग करें V1 V2 V3 का योग करें 6 वोल्ट आएगा जो कि है बैटरी के प्रति विभवांतर के बराबर है। तो इसका अर्थ है कि बैटरी में कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। क्या नहीं है, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या है नहीं है। तो हमारे सिलेबस में ऐसी बैटरी का उपयोग किया है जिसमें आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। पिछले भाग में बता दें जो V आएगा यहाँ सिरे पर जो तुल्य प्रतिरोध V वो क्या होगा बैटरी के वोल्टता के बराबर होगा क्योंकि हमें सिलेबस में ऐसी बैटरी का उपयोग किया जिसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, नगण्य है अंदर का प्रतिरोध। तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल था जिससे हमने कर लिया। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा होगी तो धारा को ज्ञात करने के लिए हमें तुल्य प्रति परिपथ बनाना पड़ेगा। तुल्य परिपथ का जो तो तुल्य प्रतिरोध है वो R होगा, R का मान ज्ञात के लिए जो 12 है और तुल्य जो तुल्य परिपथ है तुल्य परिपथ में जो धारा होगी वो क्या होगी I V /
आर यानी 0.5 एम्पीयर। तो 0.5 एम्पीयर ही सभी प्रतिरोधों में बहेगी, चाहे वो तुल्य प्रतिरोध हो, चाहे वो प्रथम प्रतिरोध हो, द्वितीय प्रतिरोध हो या तृतीय प्रतिरोध। विभवांतर अलग अलग हुआ तो विभवांतर के लिए आर वन आई, दूसरे के लिए आर टू आई और वी थ्री के तीसरे के लिए आर थ्री आई, इनका योग किया, सम किया तो 6 वोल्ट आएगा, तो जो बैटरी के विभवांतर के बराबर है। क्या है? बैटरी के विभवांतर के बराबर। इससे स्पष्ट होता है कि बैटरी में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। अगर होता तो हमें उसका पता चल जाता। अगर इसका मान मान लीजिए 5.5 आता तो इसका कुछ प्रतिरोध है जिस पर क्या है 5.5 वोल्ट है। 5.5 वोल्ट खर्च हुई है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये सब चीज़ थी टोटल। अगर हमारा ये दिया रखा होता कि ये न दिया होता 6 वोल्ट, तो हमें इन तीनों में धारा ज्ञात, धारा दी हुई 0.5, तो बैटरी का प्रतिरोध ज्ञात करना पूछ लेता हमें इसी न्यूमेरिकल में। तो धारा दी होती हमें तो दो चीज़ दी होती, तीसरी चीज़ ज्ञात करनी है। तो धारा और ये जो प्रतिरोध, इनकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, V1, V2, V3 ज्ञात कर लेंगे। और बैटरी, बैटरी में क्या नहीं है, आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, तो इसका जो सम होगा वो क्या आ जाएगा, वोल्ट था बैटरी की V1 प्लस V2 V3, इनके योग के बराबर हो जाएगी जो 6 वोल्ट आएगी। क्यों? बैटरी कुल विभवांतर है, इनके सिरों पर ही अलग होगा, क्योंकि प्रतिरोध के सिरों पर ही क्या होता है, विभवांतर नष्ट होता है या मिलता है। तो इस भाग में हमने देखा कि प्रतिरोध का श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन से प्रतिरोध क्या बढ़ेगा, श्रेणीक्रम संयोजन करेंगे प्रतिरोधों का तो उससे क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एस, लेकिन धारा का मान क्या रहेगा, समान। तो श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर हमें क्या चाहते हैं, उच्च मान की धारा चाहिए। जहां पर हमें उच्च मान की जो धारा चाहिए तभी हम क्या करेंगे, श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग करेंगे, अन्यथा हम श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हमें उच्च वोल्टता की धारा चाहिए, अगर हमें उच्च वोल्टता की धारा चाहिए तब हम श्रेणीक्रम संयोजन का उपयोग नहीं करेंगे, उच्च मान की धारा चाहिए तब श्रेणीक्रम का संयोजन करेंगे। क्योंकि श्रेणीक्रम संयोजन से धारा के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो है विभवांतर है वो अलग अलग प्रतिरोधों पर क्या है, अलग अलग है। तो इस भाग में हमने ये देखा कि चालक आपस में जुड़े हैं, और अगले भाग में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में। अगर आपको इसके बारे में किसी प्रकार की कोई भी छोटी परेशानी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हर चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करवाया गया है, और आपको एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।